ये एक कोरियन मूवी है लेकिन मैंने आज तक इतनी अच्छी डबिंग किसी हॉलीवुड मूवी की भी नहीं सुनी। हम इतनी सारी हॉलीवुड की साईफाई मूवीज देख चुके हैं कि हमारे अंदर इनका टॉलरेंस आ चुका है, क्योंकि धीरे धीरे हॉलीवुड की साईफाई की पकड़ कमजोर हो रही है। तो ऐसे ही स्क्रॉल करते करते अमेज़न प्राइम ऐप पर हिंदी डब मूवीज की लिस्ट में एक कोरिया की मूवी रेकमेंड हुई, और साउथ कोरिया की इमेजिनेशन पहले की कुछ मूवीज को लेकर हम जानते हैं। और इस मूवी के फिल्म मेकर्स में इतना कॉन्फिडेंस था इस मूवी को बनाते वक्त, इन्होंने इसके नाम में ही पार्ट 1 डाल दिया। तो अभी का रिव्यू हम करेंगे अमेज़न प्राइम पर हिंदी में अवेलेबल है 2018 की द विच पार्ट 1 द सब वर्जन। बाहुबली द बिगनिंग के सब प्लॉट को मिलाओ मैन ऑफ स्टील के एक्शन से और उसमें एक्समैन का साइंस फिक्शन मिक्स करो, है ना एकदम अजीबोगरीब कॉम्बिनेशन। ये मूवी भी कुछ ऐसी अजीबोगरीब है, और जैसा कि संसार का नियम है, अजीबोगरीब चीज या तो बहुत ज्यादा पसंद आती है या तो बिल्कुल। एक ऐसी लड़की जिस पर एक्सपेरिमेंट कर करके उसके अंदर खतरनाक पावर्स भर दिए और फिर एक रात अपनी उसी पावर का इस्तेमाल करके वो भाग जाती है। इससे ज्यादा एक लव्स भी कहना स्पॉइलर रहेगा। 3 सबसे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट और 1 नेगेटिव पॉइंट है इस मूवी का, उसके बाद आप डिसाइड करना ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। नॉर्मली सस्पेंस थ्रिलर में एंड में सस्पेंस खुलता है, लेकिन इस मूवी के हर एक मोमेंट में आपको ऐसा फील होते रहेगा कुछ तो गड़बड़ है। इसका पूरा क्रेडिट जाता है लीडिंग एक्टर किम दामी, इस लड़की के फेशियल एक्सप्रेशन और रिएक्शन। मूवी के फर्स्ट हाफ में बहुत ही इनोसेंट भोली भाली लड़की है और सेकेंड हाफ में कम्प्लीटली अपोजिट। चेरी ऑन द केक है पैरासाइट के चोई वोशी। इनके नाम भले ही मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, लेकिन इनके नाम लेना जरूरी है क्योंकि अब से जितनी भी मूवीज आगे इनकी आने वाली है या पास्ट में चली गई है वो सब मैं देखने वाला हूँ। इनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस एकदम हिप्नोटाइज करने जैसी है। कैमरा एंगल, क्लोजअप शॉट्स, हर एक एक्शन सीक्वेंस। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव बात है इसकी, आप शुरुआत से एक एक्सपेक्टेशन लेकर जो चलते हो वो एंड में फुलफिल होती है। जैसे बाहुबली पार्ट 1 के अंदर शुरुआत से एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड होती है और एंड में जो वॉर सीक्वेंस होता है वो देखकर आपके सारे एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो जाते हैं, और ऐसा ही कुछ इस मूवी के साथ है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ऐसा कुछ देखने मिलता है मूवी के अंदर जो आज तक हमने कहीं नहीं देखा, और इसका सबसे बड़ा जस्टिफिकेशन है इसकी सिनेमेटोग्राफी। एक पतले से कॉरिडोर के अंदर फाइट सीक्वेंस भी आपको ऐसे अलग अलग कैमरा एंगल से दिखाया कि आप डेफिनेटली इसके फाइट सीक्वेंस को बार बार रिप्ले करके देखोगे। इन सब के बावजूद एक नेगेटिव पॉइंट जो मुझे फील हुआ, शुरुआत के 60% मूवी बहुत ही स्लो तरीके से कैरेक्टर को बिल्डअप करती है, और इसकी जरूरत भी थी क्योंकि ये पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 2020 में आने वाला था, लेकिन कोरोना ने क्वाइट प्लेस पार्ट 2, ब्लैक विडो और कई सारे मोस्ट अवेटेड मूवीज को खा लिया। मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है सभी साइंटिस्ट को, ऐसा वैक्सीन बनाओ जिसमें कोरोना डायरेक्ट नहीं मरना चाहिए, तड़प तड़प के मरना चाहिए। एनीवेज, हम बात कर रहे थे मूवी के नेगेटिव पॉइंट के बारे में। कई सारे ऐसे सीन्स है मूवी के अंदर जिसे शॉर्ट किया जा सकता था, लेकिन मुझे लगता है एडिटिंग थोड़ी बराबर नहीं हुई है। तो अगर आप भी मेरे जैसे थोड़े इंपेशेंट है तो फर्स्ट हाफ में आपको थोड़ा बोर होगा, लेकिन इन सब की भरपाई होती है अगर आप इसके साथ टिके रहो एंड तक, क्योंकि जब लीडिंग कैरेक्टर जायोंग अपने असली रूप में आती है, ओहो भाई साहब पूछो मत, सुपरमैन, एक्समैन, जॉन विक सब एक लड़की के अंदर आ गए। लेकिन उसके लिए आपको इसके फर्स्ट हाफ के कैरेक्टर बिल्डअप से गुजरना होगा, और उस स्लो प्लॉट को ओवरकम करने के लिए आपकी मदद करेगी इसकी हिंदी डबिंग। अब तक की शानदार और बेहतरीन हिंदी डबिंग है, मैंने इससे अच्छी हिंदी डबिंग आज तक किसी इंटरनेशनल मूवी की नहीं देखी। मेरा फाइनल कंक्लूजन इस मूवी को लेकर यही है, एक लाइन में अगर मूवी को डिफाइन करें तो सबर का फल मीठा ही नहीं लेकिन अमृत होता है। और पोस्ट क्रेडिट सीन जरूर देखना, क्योंकि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था वैसा 5 से 10 सेकंड का एक ट्विस्ट भी है, जिसके लिए आप वापस 100% यूट्यूब पर आओगे एंडिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ द विच देखने के लिए। आपके लाइक्स और कमेंट में फीडबैक की वजह से इस पूरे महीने शाम 7 बजे इस चैनल पर हम सोलो मूवीज का रिव्यू करेंगे, जिसे देखने के बाद हम शॉक, सरप्राइज और सेटिस्फाई होंगे। अगर आप भी मेरी तरह बियॉन्ड इमेजिनेशन मूवीज वेब सीरीज ढूंढते रहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, और मुझे कमेंट में आपकी इस लॉकडाउन में फेवरेट मूवी का नाम जरूर बताइए। मैं मिलूंगा आपसे इंस्टाग्राम पे। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।